जिन बेवकूफों ने कहा कि ये सरहद पर खड़े हुए जवान आए दिन रेप करते रहते हैं, क्या वो सरहद का जवान रेप कर सकता है? बांसवाड़ा के बहुत अच्छे लोगों लाज रखना, उसने कहा कि मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, वो रोज रोज भोजन के वक्त रूठना बैठना, पिता की पीठ पर घोड़ा घोड़ा बना करके बैठना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेच लड़ाना, दादी माँ की परी रानी की कहानी को आगे बढ़ाना, मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है और मोहल्ले में कटी मेरी पतंग जो सरहद पे जाके अटक गई है। आपकी तैयार और जवान करना के मोहल्ले में कटी मेरी पतंग खेच लिया, मोहल्ले में कटी मेरी पतंग कट गई, अब क्या भाव से कट गई और अभी तक हाथ नहीं आई वो। भैया कहाँ जा रहा? अरे कब की कट गई वो पतंग, कहाँ जा रहे हो? लूटने जा रहे हो, जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो इंदौर में लड़ता बीमार हुआ उसने इसी तरह का सूटर पहन रखा था, कलर ऐसा है वो, तो मेरे को ऐसा दिखोता कि मोहल्ले में देखो मैं कह कि ऐसी बातें करता नहीं। हमारे बच्चों से आजकल बोले हिंदू मुसलमान और ये वो, ये हिंदू मुसलमान वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारे भ्रम है। वर्ण व्यवस्था पर भगवान मनु ने जो लिखा है मनु संहिता आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ी तो भी आप हाँ कर लो, बहुत पुरानी किताब है, हमारे वेद है, उन्हें पढ़ना चाहिए। आप में बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं दादा, एक बहुत पहले फिल्म आई थी अमर अकबर एंथन, देखी होगी आपने, नहीं देखी तो भी देखना, अच्छी फिल्म थी वो, उसमें तीन कलाकार थे, ये हिंदू मुसलमान क्या है कुछ भी नहीं, उसमें तीन कलाकार थे, एक अमिताभ बच्चन, एक विनोद खन्ना, एक ऋषि कपूर से मेरा काम नहीं पड़ा था, आपका काम पड़ा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नगर पालिका वाले इनके नंबर नोट कर ले, अगर ऋषि कपूर को बुलाना पड़े तो इनसे संपर्क कर लेना, इनके ऋषि कपूर से अच्छा संपर्क, मेरा काम नहीं पड़ा ऋषि कपूर से, मेरा यदा कदा काम विनोद खन्ना साहब से जरूर पड़ा, बम्बई की जनता की पुकार के कवि सम्मेलन में वो आते थे, अध्यक्षता करते थे, पिछली बार बम्बई में जनता की पुकार थी उस कवि सम्मेलन में विनोद खन्ना जी आए, कवि सम्मेलन के बाद 10-20 मिनट हमने पीछे मंच के पीछे चाय पानी की बातचीत हुई हमारी, इसके बाद विनोद खन्ना साहब बीमार हो गए और वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है प्रोग्राम के बाद कोई भी मंच के पीछे मेरे से मिलने की कोशिश ना करें, पता नहीं तो दिक्कत हो तो मजे ले। अब वो क्या हुआ, सब बात तो फिल्म के ऊपर, बात दूसरी है, अखबार के लोग बैठे बात मजेदार कह रहा हो, उस फिल्म में तीन कलाकार, एक अमर, एक अकबर, एक एंथोनी, एक हिंदू है, अमर हिंदू है, अकबर मुसलमान है, एंथोनी क्रिश्चियन है, और इन तीनों का जो बाप था उस फिल्म में प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, जो भी है, बाप तो सबका एक ही है, किशन लाल उत्पत्ति स्थिति सार का है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो लोगों ने जाके मालूम पड़ा, बोले ईश्वर अल्लाह एक ही है ना, बोले हाँ यार एक ही है यार, तो बोले फिर क्या करा जाए, बोले जब ईश्वर अल्लाह एक ही है तो फिर नाम क्या रखे, बोले राम दीन, तो राम अपना हो गया और अल्लाह उस दिन उसका हो गया। मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, प्यारे दोस्तों मेरी प्राण पंक्ति है, मैं सुना देता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि चौथी पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लग जाए तो हाथ रख, ऐसा उदयपुर में बोला एक जने ने कि ठग से लगे तो दो आदमी नहीं फेमस हो गए, ठग से लगे तो इतने जोर से ठग से नहीं लगना चाहिए, पंक्ति पंक्ति होती है उसमें क्या नई बात हो गई है, और भैया एक से एक लोग आ रहा नए नए, बात करने में डर लगे, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, ये तो सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टरेट कर रखा है इन्होंने, हमारे कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई
पीएचडी कर रखी है, डॉक्टरेट है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हालांकि ये पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर रहे, कर वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब वही करना है तो क्या मतलब पीएचडी से। ये कवित्री मेरे को मिली तेज दिया, मैंने कहा मेरे को बात करते डर लगी, मैंने कहा बात बोले अपन ने पीएचडी कर रखी डॉक्टर है, डॉक्टरेट। मैंने कहा यार ये कोई नई बात सुनाई थी तो कोई डॉक्टर। उसने फिर सुनाई बोले मेरी चौथी पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लगे तो दोनों हाथ खड़े करना, तालियों का महोत्सव कर देना। मैं भी बेहोश के यार कोई चौथी पंक्ति वेद की नीचे आएगी, और उसने जो चौथी पंक्ति सुनाई कि दिल किसी एक को दो, नेक को दो, ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी दो प्रत्येक को दो। तो मैंने कहा अपन अंगूठा छाप भी अच्छे तो मैं अंगूठा छाप भी आज भी अच्छा था। हालांकि देश में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने कुछ भी नहीं करा। रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई एक आतंकवादी के लिए, इसके अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ हमारे देश में। यह काम हुआ तो क्या हो रहा भाई, मेरे खबर की बातें मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं कि घर लौटते वक्त स्कूल से क्या वो व्यक्ति रेप कर सकता है। पांचवाड़ा के बहुत अच्छे लोगों जरा आपके हाथ उठे के वो सरहद पर जवान खड़ा उसे रेपिस्ट कह रहे हैं, जो कह रहा है आंखों में से आंसू पोंछते हुए के घर लौटते वक्त स्कूल से अक्सर चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना, और उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। तैयार रहे वो दो लाइन कहता है कि उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। इन रोज रोज की हरकतों से वो भी उब चुकी होगी, और ये तो वही जाने यार वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। ये तो वही जाने वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। ये तो वही जाने नेपाली जी को मजा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत दूर से आया है। जो ज्यादा दूर से आता है उसे ज्यादा मजा आता है, पास वाले को क्या मजा आएगा। अबे ब्रजमोहन तूफान जी और दलित जाने को क्या खास मजा आएगा, क्योंकि ये यही के भगवान जाना नगर पालिका पैसे दे के नहीं दे, दूर वाले पैसे लेके जाएंगे तुमको ज्यादा मजा आएगा। मामला पैसे का प्लाट अटका हुआ के सुना के ये तो वही जाने वो नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। और मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, मैंने भी लिखी जो चिट्ठियां उसके नाम की, अभी भी किताबों में पड़ी मिलेगी। और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा अवध में, वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी, वो प्रतीक्षा। ए दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चहलकदमी हो रही है, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया आप आहिस्ते से निकल जाए। मैं एक कविता और बांसवाड़ा में आया हूँ तो सुना करके जाऊंगा, और इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक कविता और है अच्छी, ये मैं सुना दूंगा आपको। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके बीच में पढ़ने में, अच्छा लगता है। ये वंश मोर होती तो अच्छा लगता, नहीं होती तो कई बार क्या है कि ये तो अब मैं बादशाह ही रहने वाला मालवे का, रतलाम के आगे चले जाओ तो ये अपने छोटे सरवान से उधर मालवा शुरू हो जाता है, इधर अपना ये डूबर। तो अपने क्या ऐसा कुछ नहीं सुनू अशोक भैया, हमारे यहाँ ये जो बांसवाड़ा के पास में गाँव है प्रतापपुर, तो प्रतापपुर की एक लड़की की शादी हमारे उधर गांव में हो गई। तो रात के यहाँ से जो बस वो गलियाकोट रामपुर चलती है बस, अब गलियाकोट खराब हो गया, मेरा उस बस में बैठने का नाम नहीं पड़ा। बता देंगे यार अपन तो बहुत सारे इंतजार में इस बस में निकलेगा, इस बस में निकलेगा, वहाँ खड़े रहे, और मालूम पड़ा कि मैं तो इस कार से निकल गया। तो मैं कार से ही आता जाता हूँ अक्सर। तो वो लड़की की शादी वहाँ करी,
तो वो बेगजी रात को यहाँ के आपके जो बेगजी थे वो आया वहाँ गाँव हमारे उधर। अब साहब वो क्या हुआ कि आया तो रात को लेट हो गए, 10-11 बज के वो ज्ञान जी साहब के सो गए। ज्ञान जी का मतलब तो समझते हैं, वो एक ही बात समझते होंगे, आप मुझे नहीं लंदन अमेरिका में रहते हो, नहीं रहते हो सर। तो मतलब वो जो छोरी थी, छोरी का जो बाप है उसको बेगजी कहते हैं, छोरे के बाप को भी बेगजी कहते हैं, दोनों को भी मालूम नहीं पड़ता किसका बेगजी कौन है। अपने ऐसा ही ज्यादा समस्या होती है। वो उके जिया जी के, वो उके जिया जी के बोले कहीं रिश्तों, बोले आटे साटे, आटे साटे बहुत चलते हैं हमारे इधर, मालूम पड़ा हरियाणी छोरों को बजरंग बली रह जाती कि आटे साटे कर दो इनके। वो आया रात को साहब 11-12 बज गए। अब रात का टाइम तो उन्होंने कहा ज्ञान जी ने क्या करें, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई, जैसे हमारे बलवीर सिंह जी खिचड़ी यहाँ पर थी, ये वाली खिचड़ी नहीं, हालांकि इन्होंने बनाई खिचड़ी ही थी। उन्होंने खिचड़ी विचड़ी बना के एक थाली में रख दी, दोनों बेगजी हाथ मुंह धो के बैठे खाना खाने के लिए। वो ज्ञान जी साहब ने थोड़ा सा घी उसके ऊपर डाल दिया खिचड़ी में। अब क्या हुआ कि वो साहब थाली हो गई टेढ़ी, तो वो थाली मालवा की तरफ हो गई टेढ़ी, डूंगर इधर रह गया और मालवा इधर रह गया, तो वो घी पूरा उधर चला गया। तो ये इधर प्रतापपुर वाला समझ गया कि यार घी उधर जा रही आ रही है। तो उसने कहा, बोले देखो बेन जी साहब, आप नवरात्रि में भी नहीं आया, एक झटके में घी ले आया इधर। वो बोले आप नवरात्रि में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर आप दशहरा पे भी नहीं आया, दिवाली पे भी नहीं आया। मालवा वाला समझ गया घी पूरा खींच का बाप इधर ही है थाली में। तो उस मालवे वाले ने कहा, बोले दिवाली दशहरा सब आप जो शामिल ही करेंगे, तो राम जो हो गए मान लो सब शामिल हो गए। आप राजस्थान के लोग अपना और मालवा मध्य प्रदेश का रिश्ता है भैया, हमारा बुआ जी आपके यहाँ के बुआ जी, आपकी वसुंधरा जी हमारे यहाँ की बेटी है। अरे क्या बात क्या, उनका वही मध्य प्रदेश की है आपकी मुख्यमंत्री, और हमारे मुख्यमंत्री मामा जी शिवराज सिंह चौहान साहब मामा। बहुत सारे लोग उनसे नाराज चल रहे, बोले किसानों का भावंतर का पैसा नहीं डाला, ये नहीं डाला। अच्छा उनकी भी मामा जी की ऐसी आदत थी, वो बिल्कुल भी देर करे ही नहीं, बोले क्या करना। तो बोले ठीक है सुनो, के ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। सारी बातें अलग रखे मेरे भाई, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। देश के दो बड़े लीडर हुए, एक लीडर पाकिस्तान में जन्म हुआ, एक दिल्ली में पैदा हुआ। कविता मेरी बहुत अच्छी कविता है, मैं यहाँ के बहुत अच्छे लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। क्या हो वैसे आप उनको बैठने दो, माइक पे आदमी बदलता रहना चाहिए। माइक आपका बहुत शानदार है। आज से 17 लाख साल पहले नेमी शरण वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी वो यही वाला माइक था। ट्रेन में तो पति पत्नी जा रहे, बहुत सलीके से ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ कि दो पति पत्नी जा रहे, उधर से कुछ आतंकवादियों ने पिस्टल निकाला, उस आदमी के सर पे रख दी पिस्टल, बोले हिंदू है या मुसलमान। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, बोले मैं मुसलमान हूँ। उन आतंकवादियों ने कहा, अगर तू मुसलमान है तो कुरान की आयत पढ़ के बता। तो उस आदमी ने कांपते हुए आयत पढ़ी, ओम भूर भूर्वस्व दशा ऋतुर्वरणी भर्गो देवेश्वरी यो यो न प्रचोदया। बोले आप जा सकते हो। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने कहा, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, बोले अगर इनको मालूम पड़ जाता कि ये गायत्री मंत्र है, कुरान की आयत नहीं है, तो ये गोली मार देते। तो उस पति ने जो बात कही साहब बांसवाड़ा के अच्छे लोगों, उसने कहा, मैं मुमताज जी की उपस्थिति में कह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि बेवकूफ, इन मूर्खों ने अगर कभी कुरान पढ़ी हुई होती तो क्या ये आतंकवादी होते हैं? शायद तूने
इसलिए जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। फजर की जब पहली नमाज की जाती है, भगवान सूर्यदेव उदय होते हैं मेरे भाई, वो सबके सब फजर की नमाज पढ़ने चले गए। देख दिया, वो सबके सब फजर की नमाज अदा करने चले गए। हम सबके सब ठाकुर जी को मंदिर में जगा रहे थे, फिर तलाश तो करो यार, ये शहर में आग कौन लगा रहे थे? बात ये है कि वो भी दूध के दूल्हे, अपन भी दूध के दूल्हे, अपन भी चोर नहीं, ये भी चोर नहीं, तो फिर चोर कौन? वो सब के सब, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अप्पू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। आपकी तालियां रुके जरा, के ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। अरे तुतलाती जवान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। जरा आपके हाथ उठे पंक्ति पढ़ता हूं के पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। पता नहीं अशोक भैया, आप बम की साइज देखो, लक्ष्मण भी इशारा से एक हाथ से पढ़ता और एक हाथ से यूं यूं कर रहा था, मैं समझ रहा कि ताली की लेकर रहा हूं। तो आप मेरे बम को सही देखें, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, कसम खाई थी साथ साथ मरने जीने की, और क्या आदत बिगड़ी थी यार बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की। बढ़िया क्या बीड़ी पीते अपन, तो इसलिए की बात अपन ने भाई, अपन तो ओरिजिनल लोग हैं, जैसा देखते हैं ऐसा लिखते हैं, जैसा थोड़े फोकट में के भाई, जैसा अपने साथ हो रहा मैं सही ये तो यार, इसने ये कह दिया और बशीर बद्र साहब ने यूं कहा, राज इंदौरी ने वो कहा, इसने ये कहा, तो भाई तूने क्या कहा, जो तूने कहा वो बोल, तो मैं जो वही बोलूंगा जो मैंने कहा था, कि कसम खाई थी साथ साथ जीने की, क्या आदत बिगड़ी थी यार बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की, और खुशियों के वो दिन भी हमने देखे थे, जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। कविता की सरजमी है बांसवाड़ा तो हाथ खड़े कर देना, के चोरी से अमरूद जो मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, खुशियों के वो दिन भी देखे थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बारूद लेकर के बैठा है, बारूद लेकर के बैठा है, बारूद, अरे बारूद है उसके हाथ में, बारूद लेकर के बैठा। अब दोनों हाथ में बारूद है, देखिए मजे लो। आप शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वासुदेव कृष्ण योगेश्वर कहते हैं सदैव मुस्कुराना मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। सदैव मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ सांप्रदायिक हो सकता है, मुस्कुराना, हंसना,
ठहाके लगाना कभी सांप्रदायिक नहीं होता। हिंदू भी इसी तरह से हंसता है, मुसलमान भी इसी तरह से हंसता है, सिख ईसाई सब हंसते हैं, आप भी हंस रहे, हम भी हंस रहे, पता नहीं क्यों हंस रहे। सुनिएगा, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में, बढ़िया क्या उम्र में तू बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये मेरे को मालूम नहीं है, पर था छोटा, और उसके छोटे कितना छोटा था ये आपको दिमाग लगाना है, छोटापन का दिमाग आपको, जैसे आप दिमाग नहीं लगा लेते कि ओपनिंग इसने करी कानू पंडित ने, तो यार ये छोटा ही होगा बिल्कुल, इसके बाद इसने पढ़ा, इसके बाद इसने पढ़ा, तो फिर दिमाग खराब होता है कि यार उम्र का पता इस हिसाब से लगता है कि ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर बलवीर सिंह जी खिचड़ी बढ़े और वापस तेज नारायण जी छोटे। पढ़ना उन्हें बाद में था, वो हमारे मंच के वरिष्ठ कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और ये भी बड़े कवि हैं, मैं ये मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ, वरना मेरी हैसियत नहीं है इनके सामने, हालांकि ये इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं हूँ भी इस काबिल, करना चाहिए तेज दिया तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि इनको ये मालूम नहीं कि ये मेरे से करते और मैं और किसी से कर रहे हूँ। तो सुनिएगा, करते रहे, प्यार एक संक्रामक रोग है और इसे फैलाते रहिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। प्यार करना सीख लीजिए आप, बस कुछ भी नहीं करना, ये दुनिया सब खत्म हो जाएगी मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। और इस दुनिया में जब मुमताज जी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, न पृथ्वी थी, न पानी था, न जल था, न थल था, न पाप था, न माँ थी, न बाप था, न पुण्य था, न आकाश थी, नभ जल गगन समीर पावक, कुछ भी नहीं था इस दुनिया में। उस वक्त मनु और शत्रुका की कोख से जो पहला मानव हुआ वही मानव हुआ। महाकवि कालिदास ने क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके, कालिदास ने जब अपने रघुवंशम में पहली पंक्ति ये लिखी, इस महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मालवा प्रांत को मालव प्रांत लिखा है, मालवा प्रांत है। माँ लव, माँ हिंदी है, लव अंग्रेजी है, माँ ने लव किया, किसकी माँ ने, अपनी माँ ने, अपने पिता से, तो हम पैदा हुए, सृष्टि के पिता ने माँ से लव किया, सोचती होगी कि तीनों अकेले आई कि इनका साथ में कोई आया होगा। सोचता है कई बार, होता है सामान्य सी बातें, महिलाएं सोचती होगी
कि भाई रात को बिराज अकेले आए कि कोई आए साथ में कि नहीं आए, अड़ा उज्जैन वाला जीजी की शादी हुई वगैरह के नहीं हुई कि 24 घंटा लट बकरी थकी रखे के बांधे भी कि नहीं बांधे आपके राजस्थान में चोटियां नहीं कटी रही बांधी लो लटा नहीं तो अभी हाल उड़ी देगा कोई ना कोई तो आज तक कोई नहीं पकड़ी सके वहां के काटवा वाला के आगे तो सोच यार सोचने में गलत जाने जी बैठे हुए इनके मन में क्या ये विचार नहीं चल रहा होगा कि मैंने और ब्रज भैया ने दोनों ने मिलकर प्रोग्राम किया तो इन्होंने किसको कितने कितने दिए होंगे इनके मन में ये विचार चल रहा होगा ब्रज भैया के मन में चलेगा अगली बार मैं अकेला करूंगा अगली बार मैं अकेला करूंगा विचार होता है मजे ले मस्ती से आप बहुत अच्छा सुनो सुनेगा के उम्र में तू बहुत छोटा था वाह उम्र में तू बहुत छोटा था पेशावर के अंदर 136 बच्चे मारे गए पाकिस्तान में 136 बच्चे मारे गए तो हमारी आत्मा हमारा दिल लेल उठा क्योंकि वो बच्चे थे बच्चे मासूम होते हैं ये हमारे संस्कार है हमारे संस्कार क्या हो सकते हैं उम्र में तू बहुत बच्चे का नाम लिया और बच्चा रोना शुरू कर दिया बच्चे ने उम्र में तू बहुत छोटा था तेरी मौसी के घर से ही लौटा था उम्र में तू बहुत छोटा था और तेरी मौसी के घर से ही लौटा था गलियाकोट साजापुर में उम्र में तू बहुत छोटा था तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे वो उछलना कूदना वो हथकंडे तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे बांसवाड़ा के अच्छे लोगों संस्कार की एक पंक्ति पढ़ता हूँ एक भी हाथ खामोश न रह के तब मैं तू बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे वो उछलना कूदना वो हथकंडे तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे अरे मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था और जाहिल तुझे पता ही नहीं मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था पड़ोस का बच्चा ठीक हो जाए ये हमारे संस्कार है मेरी मां ने सुने के अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव वाह मैं क्षमा चाहता हूँ इतनी देर जो भी मैंने कुछ कहा चार लाइन से मुझे विदा कर दे के अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव जिंदा है आज भी वहाँ नीम पीपल और वो मोरसली की छाँव जिंदा है आज भी वहाँ सारे रिश्ते नाते जिंदा है आज भी वहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति नफरत करने वाले उन आतंकवादी मूर्खों को जिनके दिल में नफरत है वो एक पंक्ति से ये सबूत दे कि दुनिया प्यार चाहती है न कि नफरत मत फैला ये बारूदी धुआं सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चिया तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी और मत फैला ये बारूदी धुआं यार अपने गांव की तितलियां मर जाएगी आए हाय आए हाय अपने हम प्यार वाले लोग हैं तो जरा हाथ खड़े करे के मत फैला ये बारूदी धुआं अपने गांव की तितलियां मर जाएगी तेरे आने की उम्मीद में तेरे आने की उम्मीद में आपको अपनी अनाई पर पलक न दिए तेरे आने की उम्मीद में वो जो चला गया अभी भी कागा बोलता है नीम के पेड़ पर प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे हैं खेत की मेड़ पर सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है कलमुहे
एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, माँ मुंह देखना चाहती है, माँ उसका मुंह देख ले, इसलिए पूरा सदन एक बार जानी बैरागी से प्यार करते हैं तो जरा दोनों हाथ खड़े कर दे, पूरा सदन हाथ खड़े, आपकी मर्जी पड़े तब तक खड़े रखो। डोलती हो लक्षकों पर आ, शब्द सर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मान सुनोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ, धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ, राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्गत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित वागड़ की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय हो। मेरी कविता शब्दों का सौर्य श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है, मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है, मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है, मेरी कविता ओज भरी भाषा के बाहर खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है, मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी, मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी, मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान, वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी, मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शिव संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्श्व से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता। क्या बात है, जितने लोग बचे हैं हमारे खाते में, जितने लोग हैं, क्योंकि जानी भाई के बाद कविता पढ़ना मेरे जीवन का पहला मौका है, जब जानी बैरागी के बाद मुझे कविता पढ़ने के लिए बोला गया है, और मैं हिम्मत जुटाता हूँ, आपके दम पर हिम्मत करता हूँ, क्योंकि मैं जिस धरती पर हूँ मैं जानता हूँ कि कविता किस सम्मान के साथ सुनी जाती है, इस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आप मुझे हौसला देंगे, मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखने की कोशिश करूँगा। स्वागत, स्वागत है। लेकिन आज मैं आया, ये मेरी आदत में है कि जब कोई राजस्थान में शहीद होता है तो मैं उसकी अंत्येष्टि में शामिल होने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता हूँ, दो चार पाँच दिन में, छः दिन में, महीने भर में, साल भर में उसके घर जाता हूँ, लेकिन बांसवाड़ा नहीं आ पाया, मुझे कष्ट रहा, इसलिए आज मैं बांसवाड़ा आने के बाद बांसवाड़ा के शहीद के घर जाकर उसकी माँ के पांव छूकर आया। उस माँ की आंखों में जो मैंने पढ़ा, मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रख के फिर अपना कविता पाठ करूंगा, दो चार पाँच मिनट के लिए निवेदन करता हूँ, आप मुझे हौसला देना, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन आज मैंने उस माँ की आंखों में जो आंसू देखे वहाँ से कुछ पंक्तियाँ आई। तेज भाई मुझे गाना नहीं आता, मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन ये कुछ पंक्तियाँ ऐसी वाणी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुनेगा भाई साहब, स्वागत ही चाहता हूँ, स्वागत। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपका आशीष मुझ तक पहुंचेगा, मुझे लगेगा कि आप सुनना चाहते हैं, अन्यथा इन पंक्तियों को कहीं भी रोका जा सकता है। मैं यहाँ के एक ऐसे शहीद की बात करने जा रहा हूँ, 11 नवंबर 2016 को जिसने अपने प्राण त्याग दिए,
आज मैंने उस माँ से पूछा, माँ मुझे ये पता लगा कि उसका जन्मदिन भी 11 नवंबर को था। उस माँ ने कहा, नहीं बेटा, उसका 11 नवंबर को जन्मदिन नहीं था, उसको पता नहीं था, इसलिए वो 11 नवंबर को प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया करता था। ईश्वर ने 11 नवंबर को उसको शहादत प्रदान कर दी। मैं उस माँ की पीड़ा लेकर आया हूँ, मैं उस माँ की उस पीड़ा में से निकली हुई कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। आपको लगे कि ठीक नहीं है, मुझे हाथ खड़ा करके मना कर देना, मैं इस कविता को रोक दूंगा। निवेदन करता हूं, केवल 4-8 पंक्तियां आपके बीच पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। निवेदन कर, स्वागत है। वीर प्रसूता का अभिवंदन करें, वीर प्रसूता का अभिवंदन करें, बागड़ के माथे रोली चंदन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें, आओ शहीदों का अभिनंदन करें, आओ शहीदों का अभिनंदन करें, देश के लिए जो बलिदान हो गया, देश के लिए जो बलिदान हो गया, देश के लिए जो बलिदान हो गया, इस धरती का भगवान हो गया। मुझे इतनी तालियों की वास्तव में उम्मीद नहीं थी। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस धरती का भगवान हो गया, ऐसे बलिदानियों का पूजन करें, आओ शहीदों का अभिनंदन करें, आओ शहीदों का अभिनंदन करें, आओ शहीदों का अभिनंदन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें। और पंक्तियां सुनिएगा कि महाबलिदान हमें याद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मन में ये गौरव मान रहेगा, मन में ये गौरव मान रहेगा, अगर तुम्हारा हो अमर तुम्हारा बलिदान रहेगा, वीरता का सदा गुण गान रहेगा, वीरता का सदा गुण गान रहेगा, बागड़ धरा को अभिमान रहेगा, बागड़ धरा को अभिमान रहेगा, ऐसी ऐसी धरती को हम नमन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें, अरे आओ बलिदानियों का नमन करें, हर्षित भदौरिया का वंदन करें। बहुत आपने आशीर्वाद दिया, मैं कृतार्थ हो गया। मैं आपको बहुत धन्यवाद दिया, मुझे गाना नहीं आता लेकिन कोशिश करिए, आपने बहुत आशीर्वाद दिया। पढ़ता हूं कि पानी में जो आग लगा दे, उस माँ ने कहा, लेकिन मैं चूंकि सरहद पर जाता रहता हूँ भैया, मैं जाता रहता हूँ सरहद पर, उस बटालियन में जाकर मैंने काव्य पाठ किया जिससे हर्षित भदौरिया युद्ध किया करते थे। मुझे जानकारी में आया कि जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो तेज भाई यहाँ पर 25,000 लोग उसकी अंत्येष्टि में शामिल थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। भीड़ कार्यक्रमों में हो खास बात नहीं है, क्योंकि आप इतने कवियों को सुनने के लिए आए हैं। भीड़ किसी शहीद की अंत्येष्टि में हो। सलाम करता हूं वासवाड़ा का, सलाम करता हूं। सलाम करता हूं। और 4 पंक्तियां उस मां को जो मैं कह के आया वो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं कि पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी ही जिंदगी, जो मुझे सरहद पर पता लगा, पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी ही चिंगारी था, और दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था। दुश्मन थर थर रोक कर रखना, दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था, जो टकराता जो टकराता जो टकराता कट जाता था, वो तलवार दुधारी था, जो टकराता कट जाता था, वो तलवार दुधारी था, वीर प्रसूता तेरा हर्षित 20-20 पर भारी था। वीर प्रसूता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
किया के लिए सारे हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके ये वंदन करें, अभिनंदन करें। ये हर्षित भदौरिया की धरती, आपका ये उत्साह और आपका ये अभिनंदन देख करके हम हर्षित हुए। बहुत 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 अच्छा लगा। सच मानो इसी क्षण आकर के कवि सम्मेलन सार्थक हुआ। एक बार पुरजोर और तालियां, आकाश भर तालियां उस शहीद के घर तक, उस शहीद के घर तक पहुंचे। भाई क्या वातावरण उत्पन्न किया भाई योगेंद्र शर्मा जी। एक वादा और चाहता हूं आपसे। वाह, 11 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया करता था, 11 नवंबर उसका बलिदान दिवस बन गया है। मैं बांसवाड़ा से विनम्र प्रार्थना करता हूँ 11 नवंबर को और कुछ भी न करने से बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी न कर सको उस घर को मंदिर समझ लेना जिसमें वो रहता है। आए है, आए है। 11 नवंबर को जाकर उस घर को प्रणाम कर लेना। शहीदों का सम्मान करना हमने सीख लिया। मुझे शिकायत भी है, आपसे नहीं उस गलती से शिकायत है। इतनी शहादत के बाद भी, इतने बलिदानों के बाद भी ये उग्रवाद के हमले रुकते नहीं। कल भी अपने राजस्थान का एक जवान शहीद होकर राजस्थान की धरती पर आया है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा क्या चाहता है। निवेदन करता हूँ, केवल दो चार मिनट आपके बीच रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने एक शहीद को कितना मान सम्मान दिया, मैं कृतार्थ हो गया। निवेदन करता हूँ। बेशक लहू बहाया हमने बलिदानी परिपाटी में। तेज भाई शायद आपको मैं पहली बार नजर कर रहा हूँ। बेशक लहू बहाया हमने बलिदानी परिपाटी में, गिद्ध सैकड़ों मार गिराए कश्मीर की घाटी में। गर्व करो इस पर भी, लेकिन एक सत्य स्वीकार करो। गर्व करो इस पर भी, लेकिन एक सत्य स्वीकार करो। कितने सैनिक परिवारों के दीपक बुझे, विचार करो। मैंने पूछा इसका भाई कहाँ है, मैंने पूछा अर्शित का भाई कहाँ है। भीगी आंखों से उस मां ने कहा, एक ही बेटा था। पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। कितने सैनिक परिवारों के दीपक बुझे, विचार करो। दूध उगलती माताओं की कई छातियां सूख गई, बेबस बहनों के हाथों की कई राखियां रूठ गई, सिंदूरी मांगों के सावन पतझड़ होकर उजड़ गए, और कई बच्चों के बरगद छोंके में ही उखड़ गए। वीरानों की इतना इतना प्यार दुलार आपका। वीरानों की अगवानी के मौसम हरदम खारे हैं, घावों की मरहम पट्टी में इंकलाब के नारे हैं। मौन तिरंगा चीख रहा, मौन तिरंगा चीख रहा, हम छत्र युद्ध में हारे हैं। अरे सिंहों की कुर्बानी देकर हमने गीदड़ मारे हैं। सिंहों की कुर्बानी, भाई बाप बाप, आपने सिद्ध कर दिया, मैं सलाम करता हूँ। सिंहों की कुर्बानी देकर हमने गीदड़ मारे हैं। और पंक्ति पत्रकार समाज यहाँ पर बैठा, मैं पंक्ति देता हूँ। क्या बात। रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं। बहुत अच्छा भाई सुनेगा। रण का लक्ष्य विजय होता है, रण का लक्ष्य विजय होता है, लाशों का व्यापार नहीं, और गीदर के बदले सिंहों की कुर्बानी स्वीकार नहीं। गीदर के बदले सिंहों की कुर्बानी स्वीकार नहीं। धनीभूत करना आशीर्वाद को। गीदर के बदले सिंहों की कुर्बानी स्वीकार नहीं। बूंदा बांदी नहीं चाहिए। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, आपका लौट कर जैसा मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं तय करूंगा कि मुझे अपना स्थान लेना है, कुछ और कहना है। निवेदन कर रहा हूँ। बूंदा बांदी नहीं चाहिए। मेरा काल पाठ हो चुका है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। बूंदा बांदी नहीं चाहिए, बूंदा बांदी नहीं चाहिए, ओलों की बरसात करो। अगर चले सीमा पर गोली, गोलों की बरसात करो। एक बार बांसवाड़ा की तरफ से और कहना चाहता हूं, दो पंक्तियां और पढ़ता हूं। क्या बात, क्या बात, भावुक हो गया भाई, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने कहा था कि वक्त ठहर जाएगा,
हवाएं थम जाती हैं जब पंडित योगेंद्र शर्मा पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां, अगर आपको लगता है कि हमने सही बात कही थी। बूंदा पानी नहीं चाहिए, होलों की बरसात करो, अगर चले सीमा पर गोली, गोलों की बरसात करो। मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, भाई साहब आपका भी ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। बूंदा पानी नहीं चाहिए, होलों की बरसात करो, घोर तबाही कहो मंजर, घोर तबाही, घोर तबाही कहो मंजर, कौन सा दृश्य बांसवाड़ा समर्थन करेगा? मुझे केवल ऐसे वीर देशभक्तों की तालिका चाहिए जो मेरा समर्थन करने के लिए खड़े हैं। निवेदन कर रहा हूं, घोर तबाही कहो मेरे पिता तुल्य लोग यहां पर बैठे हैं। मेरे पिता तो 20 साल पहले चले गए, आपको देखकर लगता है कि आज मेरे पिता को मैं कविता सुना रहा हूं। दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं। घोर तबाही कहो मंजर, घोर तबाही कहो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए, और एक शेर की कुर्बानी पर 100 गिद्धों के मुंड चाहिए। जनता आपने दिखा दिया, ये कह रहे थे जॉनी बैरागी के बाद कविता पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है बांसवाड़ा में तो पहन चूड़ियां घर जाओ। आहा आहा आहा, अब भी फोन नहीं खोले तो पहन चूड़ियां घर जाओ, चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबो कर मर जाओ। निर्णय का अधिकार थमा दो अब सेना के हाथों में। क्या बात है, क्या बात, तालियां रोकना, तालियां रोकना, मैं निवेदन कर रहा हूं। निर्णय का अधिकार थमा दो अब सेना के हाथों में, मोबाइल टीवी की सेवा 7 दिनों तक जाम करो। मोबाइल टीवी की सेवा 7 दिनों तक जाम करो, और खुली छूट देकर सेना को कह दो कत्लेआम कर। दोबारा वाचन होना चाहिए, एक बार तालियां बजा करके आदेशित करें, और सुनने की शर्त भी वही है कि तालियां उससे 10 गुनी होनी चाहिए। भाई क्या कमाल का वाक्य कहा है आपने योगेंद्र शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन तो अब नए सिरे से प्रारंभ हो रहा है साहब। हाँ साहब, पुनः पुनः पढ़िए, पुनः पढ़िए, पुनः पढ़िए, पुनः पढ़िए। स्वागतम, अभिनंदनम, वंदनम, पढ़िए। संविधान के हत्यारों की नई हिफाजत भारत में, कुछ लोगों को आपने देखा होगा मेरे सेना के जवानों पर पत्थर फेंक देते, पत्थरबाजी करते। आपने एक वीडियो वो भी देखा होगा जिसमें सेना के जवानों को थप्पड़ मारे जा रहे थे, किस किस ने देखा? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे पता लग जाएगा कितनों ने देखा है, निवेदन कर रहा हूं। संविधान के हत्यारों की नहीं हिफाजत भारत में, वह देश विरोधी नारों की भी नहीं इजाजत भारत में। समझना, केवल संकेत में बात करूंगा, देश विरोधी नारों की भी नहीं इजाजत भारत में। कह दो कोई आंख उठी तो आंख छोड़ दी जाएगी, और उंगली भी जो उठी अगर तो भुजा तोड़ दी जाए। ये हिंदुस्तान की आवाज, भाई योगेंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकी जो जेलों में है, आतंकी जो जेलों में है,
उनको ऐसा छटका दो चौराहों पर गोली मारो या सूली पर लटका दो। चौराहों पर दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, चौराहों पर गोली मारो या सूली पर लटका दो। बगदादी हाफिज के चूहे, बगदादी हाफिज के चूहे पकड़ पकड़ कर चटका दो, उनके जिंदा शीश काट कर ताजमहल पर लटका दो। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने एक वीडियो देखा, यूट्यूब पे डाला हुआ था, मैंने वीडियो देखा कब, जब हर्षित भदौरिया सर्च किया, पंचाल समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने समाज का एक कार्यक्रम किया, उसमें एक बच्ची ने, जिसका नाम मोहिनी पंचाल है, उस बच्ची ने कुछ पंक्तियां वहां से उद्घाटित की। मुझे लगा कि मैं तो उस शहीद को पुष्पांजलि देने नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरे शब्द पुष्पांजलि देने के लिए पंचाल समाज के माध्यम से उस शहीद के चरणों तक पहुंच गए, मुझे अच्छा लगा। तो उस मोहिनी पंचाल को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, अगर वहां कुछ लोग उस बच्ची को जानते हो तो मेरा प्रणाम उस बच्ची के चरणों तक पहुंचाइएगा, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं तो चाहता हूं उससे मिलना भी चाहता हूं, यदि वो बांसवाड़ा की है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके दर्शन भी करना चाहता हूं। उसने बहुत शिद्दत के साथ पंक्तियां पढ़ी, मैं दो पंक्तियां पढ़ के एक कविता इसलिए खड़ी करना चाहता हूं कि ये आतंक की जड़ क्या है, वहां पहुंचना चाहता हूं, आप लोगों को इसलिए लेकर चलना चाहता हूं कि मैंने बहुत पत्र लिखे केंद्र की सरकार को, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने ये संकल्प किया, ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं कविता के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच जाऊंगा और पूरे देश की जनता में जागरण की कोशिश करूंगा, शायद मेरे देश की जनता जाग जाए और 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का, तो हिंदुस्तान को वापस मिल जाए। 41,000 वर्ग